अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, खुश रहें और सबको खुश रखें। यहाँ पर जी जिस दिन का मेरे हस्बैंड ने ये शावर लगाया है ना पौधों को पानी वगैरह देने के लिए, उस दिन की बारिश ही यहाँ पर थम नहीं रही है। और यकीन करें बस यहाँ पर मैंने बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो लगाने हैं, तो बस अब बारिश जो है वो रुके तो कोई काम हो। तो वेदर जो है आज भी आप देख सकते हैं कि बादल आए हुए हैं, और मेरे जो बहन भाई मुझे देख रहे हैं गर्म इलाकों से जहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है, तो ये बादल वगैरह देख के उनको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होगी और वो कहते होंगे काश हमारी तरफ भी ऐसा ही वेदर होता या हम यहाँ चले जाएँ, कितने खुशनसीब लोग हैं, ऐसे ही कहते होंगे ना। तो बस जी आज आपको मैं बताऊंगी कि इटली से यूके जब हम लोग आए तो इटली और यूके में क्या डिफरेंस जो है वो हमने पाया। तो बस जी आज आपके साथ इस टॉपिक पे बात होगी और आपको मैं सारा जो है वो बताऊंगी कि इटली और यूके में जो है क्या डिफरेंस है। तो बस जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेदर जो है वो काफ़ी ठंडा ठंडा था, तो बस ये ठंडा वेदर भी जो है ना ये अजाब है, और इंसान जो है वो किसी हाल में भी वो शुक्र अदा नहीं करता। ठंडा मौसम है तब तंग है, गर्म मौसम है तब वो तंग है। तो बस जी यहाँ पर आपको बताती जाऊँ कि आज से 3 साल पहले ना हम लोग जो है वो इटली से यूके आए थे, और यहाँ पर आपको ये मैं दिखा रही हूँ अपनी कैट, आप देखें जी कि ये कितनी साफ़ सुथरी होती हैं और कितनी अपनी सफाई का ख्याल रखती हैं। तो बस इसीलिए मैंने ये क्लिप आपके साथ शेयर किया था। तो बस जी यहाँ पर आपको बताने लगी थी 3 साल पहले जब हम यहाँ पर मूव हुए तो बहुत सारे ख्वाब और बहुत सारे जो है अरमान लेके हम लोग यहाँ आए थे, और मेरे हस्बैंड जो है वो 20 ईयर्स से अबव जो है वो इटली में उन्होंने गुजारा, और मैं भी तकरीबन 12 साल जो है वो मैं इटली में रह के आई थी। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस जो बताने का मकसद है ना वो यही है कि बहुत से लोग जो है ना वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, तो मैंने कहा चले आज मैं आपको बताती हूँ कि इटली में क्या था और यहाँ पर क्या है। अच्छा जी हर जगह की एक अपनी वैल्यू होती है, एक अपना उनका मेयार होता है। तो जब हम इटली में थे ना तो मैं ख़ास तौर पर जो है बच्चों की एजुकेशन के लिए जो है यहाँ पर आई थी, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि जो एजुकेशन है वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है उसका ना। तो हालांकि इटली में भी बहुत अच्छा था स्कूल सिस्टम, सब कुछ अच्छा था, लेकिन आपको पता है कि वो जो है इटालियन अपनी लैंग्वेज को ही जो है वो अहमियत देते हैं। इंग्लिश भी वहाँ पढ़ाई जाती थी लेकिन बहुत ही लो स्टैंडर्ड था इंग्लिश का ना, और वहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर भी जो है ना वो ठीक तरह से इंग्लिश नहीं बोल पाते थे। कि इटालियन जो है अगर आपने आपके बच्चे वहाँ पढ़े हैं ना तो फिर वो इटली तक ही महदूद होकर रह जाएंगे। अब हमारे बच्चे थे वो इटालियन ऐसे ही बोलते थे जैसे वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं वो बोलते हैं, ठीक है। तो जब मेरे बच्चे यहाँ आए उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई लेकिन उन्होंने मैनेज किया बच्चों ने ना। तो यूरोप जो है ना यूरोप की एक अपनी जो है एक अपनी खसूसियात हैं, और यूके जो है उसकी एक अपनी खसूसियात है। तो यूरोप जो है यकीन जाने बहुत ही वहाँ पर नाइस साफ़ सुथरा ब्यूटीफुल जो है वो माहौल था। जब मैं यहाँ पर आई ना तो था लॉकडाउन हुआ हुआ था, तो तकरीबन ना 2-2.5 माह तो हम ना बंद ही रहे अंदर, लेकिन तो आपको पता है तब कोरोना था और इटली में तो कोरोना का जो हालात बीते थे हमारे साथ वो आपको एक डिफरेंट स्टोरी है, वो बाद में कभी बताएंगे। तो लेकिन वहाँ बहुत स्ट्रिक्टनेस थी, वहाँ पर तो यकीन जाने अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ ना तो उसको फाइन हो जाता था, ठीक है, उसको फ़ाइन होता था, पुलिस तक वो बंदा चला जाता था। तो जब हम लोग यहाँ आए ना तो मैं यहाँ की सिचुएशन ही देख के हैरान रह गई कि लॉकडाउन भी लगा हुआ है, लोग घूम फिर रहे हैं, मास्क की कोई जो है वो
पता ही नहीं कि मास्क होता क्या है, किसी बंदे ने मास्क नहीं लगाया होता था, ठीक है। तो ये बताने का मकसद यहाँ है कि जो स्ट्रिक्टनेस इटली में है वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ ना, तो यहाँ के लोगों ने ना ऐसे है जैसे यूके को खरीद लिया हुआ है, एशियन लोगों ने, पाकिस्तानी लोगों ने ना यूके खरीद लिया हुआ है, ये अपनी मर्जी से हर चीज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरा ना, जो इटली में ना इतनी महंगाई नहीं थी जितनी महंगाई यूके में है। आप यकीन करें कि इटली में ना जो फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनकी प्राइसेस इस तरह से नहीं थी जो कि यहाँ पर इंग्लैंड में है, यूके में। अच्छा जी, आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर ना, ये मैं आपको बताऊँ कि हमारे पास ना उधर इटली में, हम लोग ना उधर कसेता बोलते थे, जैसे पूरा एक कार्टन होता है ना, वो हम लोग बाय करते थे 4 यूरो 5 यूरो का पूरा, इतना बड़ा। और यहाँ पर आप यकीन करें 2 ढाई पाउंड जो है ना, उसके आपको 3 या 4, एक अगर पीच हैं, प्लम्स हैं या कोई भी चीज़ है, वो आपको इस तरह से मिल रही है 6 यूरो की। हम वहाँ पर पूरा जो है वो एक कर्टन जो है वो चेरीज का ले आते होते थे, और यहाँ पर एक छोटा सा पैक जो है वो आपको मिलता है, ठीक है। ये चीज़ें इतनी इतनी ज़्यादा डिफरेंस है ना इटली से कि मैं आपको क्या बताऊं। तो बस जी, हर जगह की अपनी ही एक बात होती है, और जब इंसान वहाँ होता है वो उसकी सोच कुछ होती है, जब वो यहाँ आता है तो उसको कुछ और ही मिलता है। दूसरा, यहाँ पर जो घर वगैरह है ना, यकीन करें उनकी इतनी ज़्यादा, उनके रेंट हैं, इतने ज़्यादा रेंट हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। और इटली में इस तरह से नहीं था, हमारे अपार्टमेंट्स हुआ करते थे, बिल्डिंग सिस्टम था, पूरा सिक्योरिटी सिस्टम था वहाँ पर ना, और लिफ्ट भी अंदर लगा होता था, लेकिन बड़ी हद है तो आपको 400 से अबव, 500, 550 तक ना हमारा रेंट होता था, अगर हमारा एक अच्छे एरिया में घर है। और यहाँ पर आप यकीन करें 1000 से कम जो है वो यहाँ पे रेंट नहीं है, इतने महंगे घर हैं यहाँ पर। और घर भी आप देखें, छोटे 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 से रूम, बंद बंद घर, तो ये चीज़ें ना जो हैं वहाँ पर नहीं थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो सफाई सुथराई है उसका वो वाला इंतज़ाम नहीं है जो कि हमने इटली में देखा, ठीक है। यहाँ काउंसिल टैक्स जो है उस इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकती इटली की निस्बत। इटली में सफाई भी उतनी थी वहाँ पर, तो आप जाए ना अगर रोड्स पे, तो आपको कोई भी एक ज़र्रा टिश्यू का या कुछ नज़र नहीं आएगा आपको रोड पर पड़ा हुआ। और यहाँ पर जब मैं देखती हूँ तो मैं हैरान होती हूँ कि काउंसिल टैक्स भी इतना है और यहाँ पर सफाई की वो वाली कंडीशन ही नहीं है। फिर कहा जाता है कि जो है ना, ये ब्रिटिश लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ ज़्यादा सफाई होती है, और जहाँ पर एशियन रहते हैं वहाँ पर इतनी सफाई नहीं। तो देखें, काउंसिल टैक्स तो हम एक जैसा ही दे रहे हैं ना, और ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है, चाहे एशियन हो चाहे ब्रिटिश हो, कोई भी रहते हैं तो सफाई तो गवर्नमेंट ने जो है वहाँ पर उसका पूरा इंतज़ाम करना है और सख्ती करनी है, ठीक है। और दूसरी तरफ आए ना हम, तो जो यहाँ का स्टडी सिस्टम है, जो यहाँ की पढ़ाई है, जो यहाँ का स्कूल सिस्टम है, तो उसको मैं कहूँगी कि बेस्ट तरीन जो है दुनिया में, उसको मैं वो कहूँगी। क्योंकि जो है यहाँ पर जब मेरे बच्चे आए, तो मेरे बच्चे इटालियन ही जो है वो पढ़ते थे, और उनको इटालियन ज़ुबान ही आती थी, लेकिन यहाँ पर जब आए तो इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चों के साथ कोऑपरेट किया, और इन लोगों ने, यकीन करें, बच्चों को इटालियन में ट्रांसलेट कर कर के इन्होंने इंग्लिश को ना उनको समझाया, अंडरस्टैंड करवाया। और फिर यहाँ पर ना जो बच्चे जाते हैं, तो कोई आपको यहाँ पर स्टेशनरी नहीं लेना पड़ती, आपको एक पेंसिल भी नहीं यहाँ पर बच्चों को खरीद कर देना पड़ती। इटली में हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंस थे बच्चों की स्टडी के, सिर्फ वहाँ फीस नहीं थी, बाकी आपने जितना भी कोर्स है, स्टेशनरी है, जो चीज़ें भी हैं आपने खुद से लेनी है, ठीक है। और बच्चों के बैग्स होते थे इतने इतने हैवी कि मैं बता नहीं सकती कि बच्चों की जो है ना शोल्डर, वो बच्चों के जो हैं वो, यकीन करें, इतनी उसमें पेन आ जाया करती थी। और यहाँ पर जो है एक भी कॉपी जो है वो आपके बैग में नहीं होती, बड़ों भी और बच्चों, मेरा बेटा है जो 5th
फिफ्थ क्लास में है, फाइव क्लास में है, और यकीन करें वो खाली बैग लेके जाता है सिर्फ अपने शौक से। और जब साल का एंड होता है ना, तो यकीन करें जब स्कूल से कॉपीज वगैरह आती है ना, तो हम हैरान होते हैं। इतना हैवी कोर्स होता है जो कि वो उधर से भेजते हैं, और हाँ, सारा साल बच्चे ने पढ़ा जो होता है, तो हम हैरान हो जाते हैं कि इतनी कॉपीज, फिर उसके साथ स्टेशनरी की चीज़ें, हर चीज़ जो है ना वो भेजते हैं, कि भाई ये सारा कुछ जो है बच्चे को वो ही प्रोवाइड करते हैं, हम उनको सारा साल कुछ भी नहीं लेके देते। स्टडी सिस्टम जो है वो बेस्ट है यहाँ का ना, बस मैं ये जरूर कहूंगी। बाकी हर जगह पे जहां भी आप रहें, कहीं कोई मसाइल होते हैं, कहीं कोई मसाइल होते हैं, तो बस जी अल्लाह ताला जहां भी इंसान को रखे, खुश व खुरम रहे इंसान, और अपनी जो है जो सोच कर वो आया हुआ है ना, उस चीज को अल्लाह ताला पूरा करे। तो बाकी ये है कि यहाँ का जो वेदर है, जैसे कि मैंने पहले आपको कहा था कि बहुत से लोग जो है वो वेदर देख के कह रहे होंगे हाय कितने खुश नसीब लोग हैं जी जो ऐसे वेदर में रह रहे हैं, हम इस गर्मी में सड़ भुन रहे हैं। तो यकीन जाने जो जहाँ रहता है ना, उसको वो ही जानता है कि क्या उसको वहाँ पर फीलिंग्स हैं। पाकिस्तान अल्लाह ताला ने जो है बहुत ही खुश नसीब कंट्री बनाया है, जहाँ आपको चारों वेदर मिलते हैं। ठीक है, खाली ठंड ठंड ठंड, ये भी इंसान के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, और हमारी जो हेल्थ है ना, उसके ऊपर इतने गलत असरात पड़ते हैं ना इससे, आप यकीन करें यहाँ पर इतनी बीमारियां हैं, यहाँ पर मसल्स पेन, यहाँ पर जो है विटामिन डी की कमी, यहाँ पर जो है टांगों में दर्द, यहाँ पर बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि सूरज ज़्यादा ना निकलने की वजह से ना इंसान में आती हैं। तो यहाँ पर सब लोग जो हैं वो विटामिन डी जो है वो टैबलेट्स यूज़ करते हैं। और पाकिस्तान देखे, ठीक है मैं मानती हूँ, लेकिन अगर पाकिस्तान में बिजली वगैरह का सही इंतजाम हो ना, तो पाकिस्तानी कभी इतना घबराए ना। लेकिन ये जो वेदर है ना, हर वक्त का यकीन करें ये इंसान के लिए ना बेहद अजाब है। और हम लोग ना दुआएं मांगते हैं, या अल्लाह कभी यहाँ पर सूरज निकले, हमें नजर आए, हमारी भी जो लाइफ है उसमें कोई चेंजिंग आए, क्योंकि सिर्फ यही आप यकीन करें, देख देख के ना बारिश और ये मौसम ना, इंसान जो है वो लेजी होता जाता है, और बिल्कुल भी ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। तो यहाँ पर ना आपसे मैंने पूरी बातें शेयर की, और यहाँ पर आप देखें जी, आज मैं अपनी ड्रेसिंग पर आई थी और मैंने सारी ड्रेसिंग को साफ किया, अपनी जितनी भी मेरी ये कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं, स्किन केयर की चीज़ें हैं, मैंने सबको जो है वो जो है साफ सुथरा करके इनको पूरे तरीके से मैंने रखा। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है जो मैंने इटली से बाय किया था, तो अब इटली जाना हो तो मैं दोबारा ना इसको ज़रूर खरीदूंगी, क्योंकि ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है जो कि अब फिनिश हो गया है। तो आई लव दिस परफ्यूम, और इटली जाऊँगी तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर ज़रूर इसे बाय करूँगी। उसके अलावा जो है ये छोटी मोटी चीज़ें जो है वो मैंने अपनी ड्रेसिंग पर रखी हुई है, क्योंकि इनके बगैर ड्रेसिंग सजता भी नहीं है। तो बस जी यही इंसान की वो छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये मैंने पूरा सेट बाय बाय किया था। यहाँ पर ना आपसे मैंने पूरी बातें शेयर की, और यहाँ पर आप देखें जी, आज मैं अपनी ड्रेसिंग पर आई थी और मैंने सारी ड्रेसिंग को साफ किया, अपनी जितनी भी मेरी ये कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं, स्किन केयर की चीज़ें हैं, मैंने सबको जो है साफ सुथरा करके इनको पूरे तरीके से मैंने रखा। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है जो मैंने इटली से बाय किया था, तो अब इटली जाना हो तो मैं दोबारा ना इसको ज़रूर खरीदूंगी, क्योंकि ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है जो कि अब फिनिश हो गया है। तो आई लव दिस परफ्यूम, और इटली जाऊँगी तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर ज़रूर इसे बाय करूँगी। उसके अलावा जो है ये छोटी मोटी चीज़ें जो है वो मैंने अपनी ड्रेसिंग पर रखी हुई है, क्योंकि इनके बगैर ड्रेसिंग सजता भी नहीं है। तो बस जी यही इंसान की वो छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये मैंने पूरा सेट बाय बाय किया था,
टीके मैक्स में, तो इसके इसमें ना एक पैक था जिसमें फोर परफ्यूम थे, ये देखें जी, डिफरेंट किस्म के फोर परफ्यूम थे जो कि मैंने टीके मैक्स से बाय किया था। और ये देखें कितने प्यारे ना ये जो हैं इनके स्मेल्स हैं, मैं आपको फ्रेग्रेंस बता नहीं सकती किस कदर नाइस है। तो ये मुझे ना बहुत ही नाइस चीज़ जो है वो मिली थी कि एक तरह का नहीं, छोटे छोटे थे लेकिन चार तरह के थे। यहाँ पर आप देखें ना यूके में जो लोग, वो लोग इन हैं जो के नस्ल दर नस्ल यहाँ पर रह रही हैं, जिनकी नस्लें यहाँ पर आबाद हैं, जो के इस कदर उनका यहाँ पर बिजनेस है, उनकी मार्केट्स हैं। हम जैसे लोग जो यहाँ पर अब आ रहे हैं ना, हमारा यहाँ पर कोई वो वाली बात नहीं है, ठीक है, हम तो बिल्कुल ना आप समझे ज़ीरो ही हैं अभी यहाँ पर ना। लेकिन जो लोग जो हैं वो नस्ल दर नस्ल यहाँ रह रहे हैं ना, बेनिफिट्स उन्होंने पाए हैं। अब तो इतना स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए हैं इंग्लैंड के कि मैं आपको बता नहीं सकती। और यहां पर आपको बिल्कुल भी जो है वो स्टे मिल ही नहीं सकता शादी के बगैर। यहाँ जो लोग यूरोप से यहाँ मूव कर रहे टाइम पर, उनके अलावा आपको यहाँ पर स्टे नहीं मिल सकता। बहुत सारे लोग यहाँ पर यकीन करें आके ना बहुत परेशान हैं। बहुत से बच्चे जो हैं वो स्टडी बेस पर आए हुए हैं, वो बहुत परेशान हैं क्योंकि उनको आगे से नज़र ही नहीं आ रहा कि वो क्या करें, और इतना इतना पैसा लगा के वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो बस इंसान की सोच कुछ होती है लेकिन होता उसके साथ बात कुछ है। और बहुत सारे जो लड़के हैं वो इतने परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब काम के वो वाले हालात ही नहीं है यहाँ पर ना। यहाँ पर बिल्कुल आप यकीन करें, जो पहले आपको ना 4-5 साल पहले जो था ना यहाँ पर काम का भी सिस्टम हर चीज़ वो बहुत अच्छा था, लेकिन अब जो है ना सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है, बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तो बस बताने का मकसद ये है कि आपके भी नॉलेज में इजाफा हो और आपको भी पता चले कि जो भी इंसान जहाँ भी रह रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं और आपको बहुत कुछ मिल रहा है। हर जगह अलग अलग हर चीज़ होती है।